अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों? आप देख रहे हैं टैकल कलम अकेडमी। तो आज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत इजी वे है बच्चों, आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और साथ साथ जो बताइएगा, अगर आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी समझ आई है। तो मैं आज यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये क्या है मेरे पास 7 है, इसको निशान लगा ली। ये आपके स्मार्ट सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहता है कि इफ़ पी की हमारे पास आर की उसने कीमत दी हुई है। बच्चे जो निशान होता है उसको पाई का निशान कहते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। देन फाइंड पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू 8 एंड जो आपकी पाई की कीमत है वो 22/7 है। बड़ा सिंपल सवाल है, अक्सर ही सवाल आ जाता होता है। तो सॉल्व कैसे करना है? सिंपल, मैं यहाँ पे लिखूँगा आर, ठीक है, इसने, ठीक है, दो वैल्यूज़ दी हुई ना, तो हम सिर्फ लिखते हैं आर इज़ इक्वल टू 8 की कीमत दर्ज करने से। ये उर्दू मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इज़ इक्वल टू 8, किस पे पुट करनी है? जो क्वेश्चन मैंने आपको दी हुई। अच्छा जी, करते क्या है, ये देखिए आर लिखा है मैंने 4, ये पाई का निशान है बच्चों, आर की स्क्वायर, बस इतनी सी क्वेश्चन है। अब जहाँ जहाँ आर है वहाँ पर मैंने क्या वैल्यू पुट करनी है बच्चों? वहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट करनी है 8 वाली। चलो जी, मैं यहाँ लिखता हूँ 8 लिख दिया मैंने। ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा और ये जो पाई का आपकी वैल्यूज की कीमत क्या उसने दी हुई है? उसने दी हुई है 22/7। ये जी 22/7 मैंने लिख दिया और क्या साथ लिखा हुआ? आर की स्केयर है, तो मैं आर का स्केयर ले लेता हूँ, 8 की वैल्यू, ठीक है। अब इसको मैं खोलता हूँ, ये अच्छा, अब करते क्या है, हम पहले खोल लेते हैं इसको, पहले 4 को, अच्छा पहले हम इसको खोल लेते, फिर मैं बताता हूँ आपको करना क्या। अच्छा जी 22/7 इसका मैंने ले लिया 64 खुल गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखें 4 को मैंने 22 से मल्टीप्लाई किया, 88 और 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 64, ये मैंने 8 लिखा हुआ है। अच्छा करना क्या, सबसे पहले हम 88 को 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 64 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 5632 और नीचे क्या 7 पे डिवाइड कर दे। ये जो बच्चों आपके पास सिंपल ये आंसर आ गए, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत इजी है, आसान है, साथ साथ कीजिएगा। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैंने सारे निशान लगा दिए, उसके हिसाब से करेंगे। ये 2 दिन में आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। बाद में क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी होगा वो साथ साथ आपके साथ शेयर कीजिएगा, खुद भी देखें, खुद भी सीखें, आप दोस्तों को भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।